एवरीबडी असला आई होप यू आल आर डूइंग ग्रेट वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम महानूर और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक हेयर ऑयल का रिव्यू शेयर करूंगी जो कि सर्दियों में बहुत सारे मसलों में से एक जो इशू होता है वो ड्राई हेयर का होता है उस मसले को आपके हल कर देगा वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव प्रिसाइज और शॉर्ट होने वाली है इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा बिल्कुल छोटी सी लेकिन बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होगी सो so, पूरी वीडियो को आपने देखना है अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले यू नो द ड्रिल प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन के ऊपर है ओके सो द प्रोडक्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दिस हेयर ऑयल बाय वाटिका इट्स वाटिका आमंड हेयर ऑयल और ये हेयर ऑयल जो है आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर एजेस मतलब मुझे नहीं याद कि लास्ट मैंने कोई और ऑयल का भी यूज़ किया था आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर इयर्स और इसके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अमेजिंग हैं आई कैन नॉट टेल यू मैं इसको um, मतलब कि अगर मैंने पूरा महीना या कई महीने भी अगर ऑयलिंग नहीं की लेकिन अगर मैं इस ऑयल को एक बार अप्लाई करती हूँ तो इट विल नरिशेज माई स्कैल्प एंड इट जस्ट मेक्स माई हेयर रियली शाइनी एंड रियली रियली सॉफ्ट मेरे लिए बहुत अच्छा ऑयल है मुझे बहुत 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 ज्यादा सूट करता है ये अब अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं सो एज़ मैंशन इट्स आलमंड एयर ऑयल तो इसके अंदर जो है वो बादाम uh, जो है उसके बेनिफिट्स मौजूद हैं दैट्स वाई दिस ऑयल इज़ रिच इन वाइटमिन ई एंड एफ़ और ये तीनों वाइटमिन जी आपकी स्कैल्प और आपके बालों के लिए बहुत अच्छे हैं वाइटमिन ए जो है वो आपके बालों को और आपकी स्कैल्प को नरिश करता है इसके अलावा आपके बालों को मॉइस्चराइज रखता है वाइटमिन ई जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है इसके अलावा आपकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है वाइटमिन एफ़ जो है वो आपके हेयर फाइबर को जो है वो लुब्रिकेट रखता है और आपके बालों को एक शाइनी और ग्लॉजी लुक देता है सो ऑल ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड रियली हेल्पफुल एंड हेल्दी फॉर योर हेयर इसके अलावा एक चीज़ होती है कि आप लोगों को कहा जाता है कि आपने जो हेयर ऑयल है उसको एटलीस्ट दो तीन घंटे बालों में रखना है कई लोग तो ओवरनाइट भी रखते हैं लेकिन डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते अब ओवरनाइट रखना लेकिन आप या तो ओवरनाइट रखते हैं या फिर दो तीन घंटे तो एटलीस्ट रखते हैं बट ये हेयर ऑयल जो है इसको आप लोग सिर्फ थर्टी मिनट्स के लिए भी अगर अप्लाई करते हैं नहाने से पहले और उसके बाद आप हेयर वॉश कर लेते हैं तो भी आपको उतने ही अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं उतने ही आपके बाल शाइनी सॉफ्ट और ग्लॉजी लगते हैं जितने दो तीन घंटे कोई ऑयलिंग करने के बाद आप लोगों के बाल लगते हैं ये मेरा आज़माया है क्योंकि मैं इसको काफी देर से यूज कर रही हूँ मैंने इसको ओवरनाइट भी रख के देखा है मैंने इसको दो तीन घंटे के लिए भी बालों में रख के देखा है मैंने इस ऑयल को सिर्फ थर्टी मिनट्स लगा के भी हेयर वॉश करके देखा है रिजल्ट आर सेम और आपके बाल जो हैं वो बहुत हेल्दी बहुत शाइनी और बहुत ग्लॉजी लगते हैं इसके अलावा ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है क्योंकि ज़्यादातर बाल तभी टूटते हैं ज़्यादा हेयरफॉल तभी होता है जब आपके बाल ड्राई होते हैं आपकी स्कैल्प नरश्ड नहीं होती है तो ये आपकी स्कैल्प को नरिश करता है और उसकी हेल्थ को प्रमोट करता है जिसकी वजह से आपका हेयरफॉल भी कंट्रोल होता है सो so, uh, जो आपके सर्दियों में दो तीन मसले आ रहे होते हैं एक ड्राई हेयर का एक हेयर फॉल का और आपके बाल बहुत बेजान और डैमेज लग रहे होते हैं ये उन तीनों चीज़ों को जो है वो हल कर देगा उन तीनों इशूज़ को जो है ये सॉर्ट आउट कर देगा इसके अलावा अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं प्लास्टिक बॉटल है टूटने का कोई खतरा नहीं है बैग में भी रख के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं इजीली और वैनिटी पे भी अगर पड़ी हुई है या कहीं पे भी आपने रखी गिर के टूटने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि प्लास्टिक पैकेजिंग है इसके अलावा अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस जो है 100 ml की ये वाली बॉटल है और इसकी प्राइस है टू ट्वेंटी हो सकता है अगर आप ऑनलाइन लें तो प्राइस 250-260 तक चली जाए लेकिन स्टोर्स में इसकी प्राइस टू ट्वेंटी है और आप लोगों को किसी भी अच्छे स्टोर से आसानी से ये मिल सकता है माई फाइनल थाट्स ऑन दिस प्रोडक्ट आफ्टर यूजिंग इट फॉर यस एंड आफ्टर टेस्टिंग इट अलॉट इज़ दैट कि ये हेयर ऑयल अगर आपके बाल ड्राई हैं या फिर डल हैं डैमेज हैं या फिर आपको हेयरफॉल का इशू आ रहा है स्पेशली विंटर्स में ये सारे इशूज़ आते हैं तो ये आपके बालों के इन तमाम मसले मसाइल को हल कर देगा और आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी सॉफ्ट और लस्ट्रस बनाएगा और बहुत हेल्दी बाल लगेंगे आपके इसके अलावा आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की फील होंगे टू टच सो आप इसको ज़रूर यूज़ करें यह आपकी हेयर केयर रूटीन में एक बहुत अच्छा एडिशन होगा आपके बालों की और आपकी स्कैल्प की हेल्थ को प्रमोट करेगा सो दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को पसंद आई होगी बिल्कुल छोटी सी वीडियो थी तो आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें मैं नेक्स्ट टाइम भी अच्छे से कंटेंट के साथ आप लोगों के पास आऊंगी तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा अल्लाफिज